आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिलर नाइटिया में। आज का हमारा जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज के वीडियो में हम आपको लेथ मशीन पर कीवे कटिंग करके दिखाएंगे कि इस तरह से कीवे कटिंग किया जाता है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास या फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। हम आपको इसी तरह के टेक्निकल और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाने की हर टाइम कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे लेथ मशीन पर कीवे कट करने के लिए आपको एक जुगाड़ बनाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टूल पोस्ट है उसका एक बार साइज चेक कर लेना है। उसके बाद जो एंगल आता है आपका, जो जो आपका साइज के हिसाब से आपके एंगल का सिलेक्शन करना है, उसको कटिंग करके थोड़ा फिनिशिंग वगैरह कर लेना है। मान लीजिए आपका जो आपका डायमीटर 50 है तो आपको एंगल भी 50 का लेना है। जो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एंगल 50, जो 50:5 का एंगल है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसको सबसे पहले जो हमने टूल पोस्ट का माप लिया था उसका साइज लेकर आपको एंगल के वन साइड से सेंटर से आपको इस तरह से कट कर लेना है ताकि हम यहाँ टूल पोस्ट में एंगल को हम अच्छी तरह से बिठा सके। उसके बाद ग्राइंडर के सहायता से हम कट करके बीच वाले भाग को इस तरह से निकाल कर फाइलिंग करके अच्छे से हमें फिनिशिंग कर लेना है, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं आपके सामने। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लेथ मशीन पर कीवे किस तरह से कट किया जाता है हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। तो इस तरह से फिट करने के बाद आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद जो बीच वाला भाग है उसे भी हमें रिमूव कर देना है ताकि जब हम नट बोल्ट को ढीला करें वहाँ वो वाला भाग आपको रिमूव कर लेना है जो अभी हमने माप आपके सामने मार्किंग करके दिखाया है। तो एंगल का एक साइड आपको टूल पोस्ट के अंदर बैठना चाहिए, इतना गैप करना है। और दूसरा साइड जो जितने बोल्ट लगे बोल्ट के साइड में इतना गैप दिखना चाहिए, जैसे 3 बोल्ट है इस तरह से आपको गैप रखना है ताकि हमारा जो टूल की है टूल की अच्छी तरह से हम इसे लॉक कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल पोस्ट में जो बोल्ट है वो टाइट नहीं हो रहा, मतलब इसकी हाइट कम हो गई। तो इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमें नीचे और एक एंगल की पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अभी उसको सबसे पहले हम उस एंगल वाले पट्टी को बनाएंगे जो आप देख सकते हैं, इसे हमने बना लिया है। तो सेम इसी तरह से ही आपको बनाना है, जैसे पहले वाले को हमने जो स्लॉट कट किया तो उसी साइज का आपको स्लॉट कट करना है और जो हमने जो जुगाड़ बना रहे उसके नीचे आपको लगाना है। ताकि अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा जो बोल्ट है वो टाइट हो चुका है और जो हम जो फिक्चर बना रहे हो फिक्चर भी प्रॉपर बैठ रहा है। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने टूल पोस्ट में जो हमने फिक्चर बनाया है वो फिक्चर प्रॉपरली बैठ गया। उसके बाद टूल पोस्ट को एक बार फिर से हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टूल पोस्ट है 4-वे टूल पोस्ट है, चारों तरफ घूम रहा है। उसके बाद जॉब के साइज के हिसाब से आपको एक और एंगल लगाना है ताकि जब हम जो जॉब है हमारा जॉब प्रॉपरली बैठ सके। तो सबसे पहले जॉब को सेट करके आपको डायरेक्टेशन इंडिकेटर के सहायता से आपको प्रॉपरली एक्यूरेट ट्रू कर लेना है। उसके बाद आपको सेंटर ड्रिलिंग करना है, सेंटर ड्रिलिंग करके सेंटर सपोर्ट भी देना है। तो सबसे पहले हम सेंटर ड्रिलिंग कर लेंगे, जो आपके सामने प्रोसेस हो रहा है ये हमारा सेंटर ड्रिलिंग है। इसके बाद हम रिवॉल्विंग सेंटर के सहायता से सपोर्ट देकर उसके बाद जो हम फिक्चर बना रहे फिक्चर के ऊपर इसका साइज मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमने सेंटर ड्रिलिंग कर लिया। उसके बाद जो हम जो जो आपको सपोर्ट देने के लिए जो फिक्चर बना रहे उसके हिसाब से आपको एंगल कट कर लेना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो एंगल एंगल का साइज एज पर आपके जॉब के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि जॉब का डायमीटर आपका कितना है। तो जो हमने फिक्चर बनाए तो उसके बाद जो हमने अभी एंगल काटे हैं, एंगल हमारा 40:5 का है। एंगल काटने के बाद जो हमारा सेंटर सपोर्ट के साथ हमारा जॉब है उसके बाद आपको इस तरह से वेल्डिंग कर लेना है, जो आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टाका लगा लिया वेल्डिंग का। इसके बाद हमें इसे अच्छे तरह से फुल वेल्डिंग करके प्रॉपरली बना लेना है। तो हम अभी फुल वेल्डिंग कर लेंगे इसके ऊपर जो भी हमने जहाँ पर टाका लगाए हैं। तो ये जो फिक्चर है फिक्चर बहुत ही काम का है, जिससे आप लेथ मशीन के ऊपर आप कीवे कट कर सकते हैं। लेथ मशीन पर मिलिंग मशीन की हमें आवश्यकता नहीं है। जो हमने एक साइड से अभी सपोर्ट लगाए तो उसी तरह से सेकंड साइड से भी सपोर्ट लगाकर फुल वेल्डिंग आपको कर लेना है, जो एज पर प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद वेल्डिंग होने के बाद अच्छे तरह से फिनिशिंग कर लेना है। उसके बाद जब हम जॉब को टूल पोस्ट में पकड़ेंगे उसके क्लैंपिंग के लिए आपको ड्रिलिंग कर लेना है। उसके बाद आपको यू बोल्ट का सिलेक्शन कर लेना है जॉब का डायमीटर के अनुसार। जो हमने सिलेक्शन कर लिया 50 का यू बोल्ट है, हमारा जो जॉब है जॉब का साइज 40 मिलीमीटर है, थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस तरह से जो हमने ड्रिलिंग किया है क्लैंपिंग के लिए उसके ऊपर यू बोल्ट को फिट कर लेना है। उसके बाद जो हमने अभी फिक्चर हमने बनाया फिक्चर हमारा पूरा तैयार हो चुका है और फिक्चर को इस तरह से टूल पोस्ट में पूरा प्रॉपरली लॉक कर लेना है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमने यू क्लैंप बनाए थे उसके ऊपर आपको जॉब को सेट करना है इस तरह से। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपको जॉब हमने जो लगाया है वो पूरा प्रॉपरली पैरेलल बैठा है या नहीं, एक बार डायरेक्टेशन इंडिकेटर के सहायता से आपको चेक कर लेना है।
उसके बाद आपका कीवे के जो साइज है, साइज के हिसाब से आपको जो कटर है कटर का भी सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर हम ड्रिल को ही ग्राइंडिंग करके कटर बना लिया है, आप कटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मशीन की स्पीड नॉर्मल मीडियम सेट कर लेना है। उसके बाद मशीन की स्पीड सेट करने के बाद जो हमारा कैरेज होता है, कैरेज को भी अच्छी तरह से लॉक कर लेना है और हम डेप्थ ऑफ कट देंगे क्रॉस स्लाइड के कंपाउंड स्लाइड के सहायता से। पहले सबसे पहले 0-0 सेट कर लेना है। पूरा सेट होने के बाद कंपाउंड स्लाइड को भी आपको इस तरह से लॉक कर लेना है। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट देकर आपको कटिंग स्टार्ट करनी है। इस पर आपको जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ध्यान में रखें कि आपका जो कीवे का स्लॉट है उसको उसका जो साइज है उसके हिसाब से ही आपको कटर का सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करेंगे क्रॉस स्लाइड की सहायता से। हम आगे मूव करेंगे फॉरवर्ड, आप इसमें ऑटो फीड भी दे सकते हैं। डेप्थ ऑफ कट हम कंपाउंड स्लाइड की सहायता से देकर क्रॉस स्लाइड को ऑटो फीड में भी चला सकते हैं, इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है। और कटिंग कीवे की कटिंग करते समय आपको कूलेंट का भी यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा कटर है कटर गर्म हो जाता है और जॉब भी गर्म होता है। तो इस तरह से आपको कीवे कटिंग करना है जो प्रॉपरली हम आपको दिखा रहे हैं। तो मिलिंग मशीन में ज़्यादातर ये काम किया जाता है। अगर मिलिंग मशीन कोई कोई वर्कशॉप में नहीं रहता तो उस समय हमें क्या करना है कि जैसे हम लेथ मशीन पर भी हम कीवे कटिंग कर सकते हैं, अगर जॉब का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, नॉर्मल साइज तक हम जो लेथ मशीन है लेथ मशीन में ही हम कीवे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भी हम प्रॉपरली कट कर रहे हैं, जो हमारा क्लैंप है क्लैंप की सहायता से प्रॉपरली हो चुका है। जितना भी डेप्थ आपको दिया जाता है, जो हमारा कीवे होता है उसके ऊपर जो की बैठता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपरली बैठ चुका है। तो जो एक बार चेक कर लेना है जो की बैठने के बाद, उसके बाद आपके जो जब हम कीवे कटिंग करते हैं तो उसके ऊपर बर्स वगैरह आ जाता है, उसे फाइलिंग करके फिनिश कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको की को इस तरह से प्रॉपरली फिट कर लेना है, जो हमने आज के वीडियो में हमने आपको पूरा कीवे को किस तरह से कटिंग किया जाता है इसके बारे में पूरी हमने जानकारी दी है। और इसी तरह की नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।